वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो गाजर के हलवे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें किसी हुई गाजर है, दूध है, शक्कर है, इलायची है, घी और ड्राई फ्रूट। हम कुकर में बनाएंगे गाजर का हलवा, जो कि बहुत कम समय में और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गाजर का हलवा बनाना। कुकर को गैस पर रख दिया है। अब हम डालेंगे इसमें हमारी गाजर, तो सारी गाजर हमने कुकर में डाल दी है। अब हम इसे ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन कम हो जाए। तो 5-10 मिनट हो चुके हैं और गाजर की थोड़ी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है, तो हम इसमें डाल देंगे अब दूध। अब इन्हें मिक्स कर देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें शक्कर। अब इसे भी मिला लेते हैं। तो अब हम इसे कुकर को बंद करके 2 सीटी लेने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। धीमी आंच पे 2 सीटी लेना है। तो फ्रेंड्स, 2 सीटी हो चुकी है और गाजर का हलवा हमारा अच्छे से बन गया है। अब इसका हम जितना भी पानी है एक्स्ट्रा वह तोड़ लेंगे। तो इसे 10 से 20 मिनट तक हम इसको पानी जितना जब तक ख़त्म ना हो तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। तो इसका पानी सारा हम ख़त्म कर देते हैं, इसको लगातार चलाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पानी इसका थोड़ा कम हो चुका है, तो अब हम इसमें घी डाल के थोड़ा इसको सेकेंगे। तो 2 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे। अब हम इसे और अच्छे से सेकेंगे। तो घी डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिला लेना है और थोड़ी देर इसको अच्छे से और सेकना है, ताकि थोड़ा बहुत जो ये पानी बचा हुआ एक्स्ट्रा ये भी सब निकल जाए और हमें एकदम टेस्टी और एकदम मिल जाए। तो हम इलायची पाउडर डालना भूल गए थे, तब इलायची पाउडर डालते हैं इसमें। तो इलायची पाउडर डाल दिया ये। अब इलायची पाउडर डाल दिया है, अब इसको मिला लेते अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, तैयार हो चुका है गाजर का हलवा। तो अगर आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हो अभी। अगर आप ऐसे नहीं खाते हो, ऊपर से डाल के खाना चाहते हो, तो ऊपर से डाल के भी खा सकते हो। तो मैं आपको प्लेटिंग की दिखाती हूँ। चलिए हम निकालते हैं प्लेट में। जी फ्रेंड्स, तैयार हो गया हमारा गाजर का हलवा। तो खाने में बहुत टेस्टी लगा था और बहुत ही बढ़िया बना था। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों से हम गाजर का हलवा कैसे टेस्टी बना सकते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।